जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके चेहरे हैं उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया पुलिस के ऊपर चलाया उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में किसी भी इस तरीके की चीज़ में विश्वास ना करें और जनपद संभल पुलिस ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है और काफी बड़े पैमाने पे बड़े स्केल पे इन सब चीजों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कुल 27 लोग अरेस्ट हुए। थैंक यू। एफआईआर के बारे में सर कितनी? कुल 7 एफआईआर हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई है, जिसमें एक सीओ है जिनके पांव में गोली लगी थी उनके द्वारा लिखवाई गई है, एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे उनके द्वारा लिखवाई गई है, एक हमारे पीआरओ हैं जिनके पांव में गोली लगी थी उनके द्वारा लिखवाई गई है, बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। ये एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और 3 परिस्थितियों में यह घटना हुई उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो भी विवेचना की कार्रवाई है वो आगे प्रचलन में लाई जाएगी और जो सही एविडेंस है उनके आधार पे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जियाउर रहमान को क्या अलग से नोटिस दिया गया, एफआईआर दी गई है? जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत है उनके आधार पे ही की जाएगी। ये 163 बीएनएसएस जो कि पहले धारा 144 के रूप में जाना जाता था उनके डीएम महोदय द्वारा जो नोटिस है वो 30 तारीख तक विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधिगण या फिर माननीय जो जनप्रतिनिधि है उन सबको 30 तारीख तक जनपद में ना आने के लिए अनुरोध किया गया है। 30 तारीख के बाद में उनका स्वागत है, वो आए लेकिन 30 तारीख तक के लिए उसके लिए आना है। थैंक यू। जल्दी इंटरनेट की सेवाएं वो रिज्यूम हो जाएगी। थैंक यू। 4 जो डिसीज्ड हैं, 4 लोगों की जिनकी मृत्यु इस घटना में हुई है उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर 4 अभियोग भी पंजीकृत किए गए, उसमें से 3 थाना कोतवाली में, 1 थाना संभल पर कोतवाली से, 3 थाना कोतवाली संभल पे और 1 थाना नखासा पे दर्ज किए गए हैं और उनकी विवेचना भी है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।